हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखेंगे कि रेडेट कनेक्ट 7 में NMTUI के थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर और मैनेज कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो हमने NMCLI कमांड के थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर करना और मैनेज करना सीखा था। इस वीडियो में हम NMTUI के थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस को मैनेज और कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, ये इस वीडियो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए और चेक कर लीजिए कि आपके पीसी में NMTUI का पैकेज इंस्टॉल है या नहीं। तो उसके लिए कमांड यूज होता है rpm-grep-network-manager-nmtui, ये पैकेज आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पीसी में इंस्टॉल्ड नहीं है ये पैकेज, तो आप यम सर्वर या rpm कमांड के थ्रू इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप यम सर्वर के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है यम इंस्टॉल स्पेस नेटवर्क मैनेजर -tui, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है यम सर्वर से ये NMTUI का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। तो हमारे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके सिस्टम में डिवाइसेस कितने हैं। NMCLI स्पेस dev स्पेस status, तो देखिए यहाँ पर इस सिस्टम में एक डिवाइस है जिसका नाम है ENO167736। टाइप इथरनेट कनेक्टेड है और इस पर जो करंट प्रोफाइल यूज हो रही कनेक्शन प्रोफाइल वो है MyTUI Pro, ठीक है। उसके बाद हम इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। इफ कॉन्फिग ENO167736, तो देखें यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस है भी करंट आईपी एड्रेस 192.168.190.10। उसके बाद अब हम NMTUI के थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर और मैनेज कैसे करते हो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको NMTUI कमांड एग्जीक्यूट करना है। आप यदि आप किसी कनेक्शन को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करना है NMTUI स्पेस एडिट स्पेस कनेक्शन नेम पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए, ठीक है। अगर आप किसी कनेक्शन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना NMTUI स्पेस कनेक्ट स्पेस कनेक्शन नेम, ठीक है, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है। और अदरवाइज आप ये कमांड भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं NMTUI। जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक विजार्ड ओपन होगा जिसमें आपको तीन मेन्यू होंगे, तीन ऑप्शन होंगे, एडिट कनेक्शन, एक्टिवेट कनेक्शन और सेट सिस्टम होस्ट नेम। अगर आपको कोई कनेक्शन एडिट करना है या न्यू कनेक्शन ऐड करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एडिट कनेक्शन। अगर आप किसी कनेक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन यूज करना है। अगर आप सिस्टम का होस्ट नेम सेट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अभी मुझे नया कनेक्शन ऐड करना है इसलिए मैं एडिट कनेक्शन पर क्लिक कर सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी इतने कनेक्शन क्रिएटेड हैं, MyTUI Pro, MyStaticTUI, MyCon1, MyStatic, ENO167736, ठीक है। अगर आपको नया कनेक्शन ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, उसको सिलेक्ट कीजिए और फिर एंटर की प्रेस कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछ रहा है सिलेक्ट द टाइप ऑफ कनेक्शन यू विश टू क्रिएट, ठीक है। तो मुझे इथरनेट कनेक्शन क्रिएट करना है इसलिए बाय डिफॉल्ट इथरनेट सिलेक्ट है और तो एंटर की प्रेस कीजिए तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उस कनेक्शन का उस प्रोफाइल का नेम असाइन करना है। तो मैं जैसे दे रहा हूँ माई, एक नेम इसको देता हूँ MyTUI प्रोफाइल टू, ठीक है, ये नेम मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको उस डिवाइस का नेम आपको असाइन करना है जिस डिवाइस के लिए आप ये प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर चेक किया था पहले, जैसे यहाँ पर देख लीजिए
if config, sorry, nmcli space dev space discussion. तो देखिए यहाँ पर इस डिवाइस का नेम मुझे यहाँ पर असाइन करना था, डायरेक्टली ये नेम यहाँ पर आपको असाइन कर सकते हैं, ENO 16777736, ठीक है। तो ये इस डिवाइस का नेम था। उसके बाद में आपको टैब की प्रेस करनी है, अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो आपको टैब की प्रेस करनी है, आपको अगर बैकवर्ड जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब की आपको प्रेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आईपर्जन फॉर कॉन्फिग्रेशन ऑटोमेटिक बता रहा है, एंटर की प्रेस कीजिए तो आपको एक मेन्यू ऊपर होगा, उसमें देखिए आपको अगर आप डीएचसीपी के थ्रू इसको कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है, अगर आप मैन्युअल कॉन्फिगर करना चाहते हैं तो उसको मैन्युअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद शॉप पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, एड्रेस गेटवे डीएनएस सर्वर सर्च डोमेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। तो 8 पर 8 सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ पर आप जो भी एड्रेस उसको असाइन करना चाहते हैं वो असाइन कीजिए। तो मैं इसको दे रहा हूँ 180.10/24, और अगर आपको एडिशनल आईपी एड्रेस भी ऐड करना है तो यहाँ पर 8 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए, ठीक है। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए, ठीक है। गेटवे में ऐड कर देता हूँ अभी 180.10, उसके बाद डीएनएस सर्वर, अगर आपके लैब में डीएनएस सर्वर अगर कॉन्फिगर है तो आप ऐड कर दीजिए। अभी मैं इसी मशीन को एज ए डीएनएस सर्वर यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसी मशीन का आईपी एड्रेस एज ए डीएनएस सर्वर में असाइन कर देता हूँ। और उसके बाद डोमेन्स, तो डोमेन में मैं ऐड करता हूँ mysolutions.com, और उसका टैब की प्रेस कीजिए और उसके बाद ओके पर क्लिक, ओके ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और वहां पर आपको एंटर की प्रेस करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है MyTUI Pro 2, ठीक है। उसके बाद किट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। उसके बाद उस कनेक्शन को एक्टिवेट करने से पहले हम करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, उससे पहले NMCLI dev status। तो यहाँ पर देखिए अभी जो ये डिवाइस है, इस डिवाइस पर अभी जो कनेक्शन प्रोफाइल यूज हो रही वो ये है NMTUI Pro, ठीक है। और हम इसका आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, ENO 16777736। तो देखिए इसका करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन है 192.168.190.10, ठीक है। अब हमने जो नया कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट किया है उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ NMTUI एंटर, और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है एक्टिवेट कनेक्शन, और फिर एंटर की प्रेस कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो कनेक्शन, आप जो कनेक्शन प्रोफाइल एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, टैब की प्रेस कीजिए और एक्टिवेट को सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए आपकी कनेक्शन प्रोफाइल एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद क्विट कीजिए और यहाँ पर फिर से चेक कर लीजिए डिवाइस। तो देखिए यहाँ पर पिछली बार ये माई कनेक्शन MyTUI Pro यूज हो रही थी, अब कौन सी यूज हो रही है, MyTUI Pro 2, ठीक है। ये कनेक्शन प्रोफाइल यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन आप चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कनेक्शन प्रोफाइल न्यू क्रिएट की थी उसमें जो हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था वही आईपी एड्रेस इस डिवाइस के लिए अभी यूज हो रहा है, ठीक है। यानी इस डिवाइस का करंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन है 192.168.180.10, ठीक है। और जो हमने कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट की है उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, sysconfig नेटवर्क स्क्रिप्ट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो आपने कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट की है उसके। देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, इसका कंटेंट चेक कर लीजिए, get ifcfg my tui pro 2, ठीक है। उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए
आपने जो कॉन्फ़िगरेशन वहां पर किया था वो उस वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और जैसे आप कोई नया कनेक्शन प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो हमने सीखा कि NMTUI के थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर और मैनेज कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।